नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और वहाँ से इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, उसके बाद फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में अगर कहें अफिलिएट मार्केटिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल करवा रहे हैं और जितने प्रोडक्ट सेल होंगे उसके बेस पे आपको एक पर्टिकुलर या फिक्स अमाउंट पे कमीशन मिलेगा। ये कमीशन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कहीं 2%, कहीं 4%, कहीं 10%, कहीं 40%, 50-60% तक कमीशन आपको मिल जाएगा इंडस्ट्री के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें अमेजोन की, अमेजोन आप लोग जानते होंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो अमेजोन पे जो कमीशन मिल रहा है अफिलिएट मार्केटिंग में वो लगभग 10% तक कमीशन आपको जनरली मिलता है। ठीक है, तो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कंपनी के प्रोडक्ट को आपको सेल करवाना। अब सेल कैसे करवाएंगे कोई प्रोडक्ट को, जब आपके पास ऑडियंस होगा, ट्रैफिक होगा, तभी तो आप सेल करवाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑडियंस होना चाहिए। अब ऑडियंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाना पड़ता है या फिर एक यूट्यूब चैनल बना लो। तरीका ये होता है वहीं से आपको ऑडियंस मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ब्लॉगर पर अपना फ्री में ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन क्या है उसमें आपको फिर यूज करने में, कस्टमाइजेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप फिर भी काम चलाना चाहते हैं शुरुआत में, तो ब्लॉगर पर अपना फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। उसका पूरा ट्यूटोरियल हमने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ब्लॉगर पर बना सकते हैं अपना ब्लॉग। और अगर आप वर्डप्रेस पर एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना चाहते हैं बिना किसी कोडिंग के, तो वर्डप्रेस एक बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप लोग ब्लॉग बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए भी अलग से हमने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आई बटन पर उसका भी मिल जाएगा वर्डप्रेस के लिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्री में कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करें। तो दोस्तों देखिए, फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग करने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों इनकम करने के, ऑनलाइन इनकम करने के लिए दो चीज़ों का ज़रूरी होना है, दो में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप फ्री टूल्स का यूज करके टाइम लगाइए, उसमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, शुरुआत में अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन से तुरंत उसी दिन से सक्सेस मिल जाए, तो कोई भी बिजनेस हो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। तो अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, तो आपको अगर फ्री में करना चाहते हो तो आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब है 1 साल 2 साल 3 साल, इतना आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको एक अच्छी खासी इनकम बनेगी। 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये महीना तभी कमाएंगे जब 2 साल 3 साल का आप इसमें टाइम देंगे। और अगर आप पेड यानी इन्वेस्ट पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत से ऐसे टूल्स आते हैं जो पेड टूल्स होते हैं, उनका यूज करके आप बिल्कुल कम समय में अपना ग्रो कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की इनकम को। ठीक है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा, ईमेल के लिए आपको वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट एक अच्छी बनाने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आप फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ अब उनका आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, तो पहला जो तरीका दोस्तों वो है कि आप लोग नाम सुने होंगे कोरा का। कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर अगर आप फ्री में अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर अपना आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल के थ्रू अपना ट्रैफिक जनरेट करते हैं और वहाँ पर अपना अफिलिएट लिंक डाल देते हैं, तो कोरा से भी आप लोग अपनी कमाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करना है, एक आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है, कुछ दिन तक यहाँ पर आप लोग अपना एक बिल्कुल अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखिए, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और या शुरुआत में यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिंक लगाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जैसे ही आपकी यहाँ पर
अथॉरिटी बन जाती है आपके अकाउंट की। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कोरा पर कई सारे लिंक लगा सकते हैं, एफिलिएट लिंक, ठीक है। ध्यान देना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लाइन लिखा और अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया, इससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, उसके बाद अगर उसको लगता है हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, तभी वो लिंक से जा कर के परचेज करेगा, और जैसे परचेज करेगा आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो कोरा एक ऑप्शन आपके लिए है बिल्कुल फ्री में। दूसरा दोस्तों जो ऑप्शन है आपके पास वो है कि मीडियम, शायद आप लोग मीडियम के बारे में ना जानते, लेकिन मीडियम एक वेबसाइट है medium.com, यहाँ पर भी अपना अकाउंट बना करके अपना ब्लॉग या अपना आर्टिकल आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो इसकी अथॉरिटी है काफ़ी अच्छी खासी अथॉरिटी है, तो यहाँ पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपके रैंक होने के चांसेज थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, लेकिन रैंक आपका आर्टिकल तभी होगा जब उसके लिए आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की हो। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करेंगे तो जो पहले से वेबसाइट रैंक है जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा है वही रैंक करेंगी, ठीक है, और आपके आर्टिकल वहाँ पर हो सकता है आपकी वेबसाइट ना रैंक करे। तो इसके लिए अच्छी बात यही है कि लो कंपटीशन कीवर्ड को आप लोग उनको टारगेट करें, उन पे आर्टिकल लिखें, तभी यहाँ पर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स हैं, अगर इसका मैं आपको बताऊँ तो टम्बलर, वहाँ पर भी अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं और अपना अकाउंट बना करके कई सारे आर्टिकल लिखते जाइए, उसके भी रैंकिंग के चांस होते हैं। इसके अलावा रेडिट होता है, ठीक है, रेडिट पर भी अपना अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पिंट्रेस्ट यूज करते हैं तो पिंट्रेस्ट में भी जो इमेज होती हैं, जो वीडियो होते हैं, खासकर इमेज के लिए ज़्यादा पॉपुलर है पिंट्रेस्ट, तो इमेज आप वहाँ पर डाल करके अच्छा सा ऑन पेज सीओ करके आप पिंट्रेस्ट भी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो बिल्कुल फ्री में, हालांकि इनमें ग्रो होने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करके आर्टिकल लिखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप लोग अपना एक वर्डप्रेस में वेबसाइट ज़रूर बना लें, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करनी है। वेबसाइट कैसे बनानी है उसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से आप बिल्कुल 1000-2000 रुपये लगा करके भी एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप 1000-2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप एक वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है। और वेबसाइट बनाने के ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल से भी आप लोग इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, जहाँ से बिल्कुल फ्री में आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।